बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नारवाल के इलाके मोहल्ला लालपुरा में मामूली तल्ख कलामी के बाद सुलह के लिए बुलाई गई पंचायत मैदान जंग बन गई। मुखालफीन के एक दूसरे पर फायरिंग के साथ छुरियों से भी वार, एक नौजवान जान बहक, पांच अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ननकाना साहब के इलाका रजब में डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक डाकू हलाक, दो जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दौरान डकैती गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। हलाक होने वाला डाकू 14 से जायद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस पर एक और सवालिया निशान, इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किए गए कमसिन बच्चे से बदफेली का मुलजिम थाना भेरा में टिकटॉक वीडियोस बनाता रहा। वीडियो में मुलजिम प्रोटोकॉल के साथ चारपाई पर जबकि दीगर मुलजिम हटकरी समेत जमीन पर बैठे देखे जा सकते हैं। प्रोटोकॉल की फुटेज चैनल न्यूज को मौसूल। अफसोसनाक हादसा, कबीरवाला में मुल्तान रोड पर ट्रक की साइकिल सवार को टक्कर, 40 साल शख्स मौका पर जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोहम्मद सफदर दूध बेचकर घर जा रहा था कि पीछे से आने वाले शहजोर डाले ने टक्कर मार दी। गुजरात में भूख गुर्बत से तंग खातून की बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश नाकाम। हरियाणा की रिहायशी खातून ने दिल बर्दाश्त होकर बच्चों समेत रेलवे ट्रैक पर लेट गई। राहगीर के तला पर पुलिस का फौरी एक्शन, मजबूर मां को बच्चों समेत बचा लिया गया। हरुणाबाद में उबाश नौजवानों ने मेहनतकश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मुतासर नौजवान की दरखास्त के बावजूद ताहाल पुलिस बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। कमालिया में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डिवीजन टास्क फोर्स टीम का ग्रैंड ऑपरेशन, 117 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीटर्स बरामद, बिजली चोर अपने कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटरों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नस्ब करके बिजली चोरी कर रहे थे, करोड़ों रुपए के जुर्माने वसूल कर लिए गए। मुल्तान में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का जाली खादों जरई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, महकमा ज़राअत के अदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। आमिर खटक के महकमा ज़राअत के अफसरान को दफातर से बाहर निकलकर फील्ड मॉनिटरिंग करने की हदायत, कहा किसान की रोजी रोटी ज़मीन से जुड़ी है, इसकी दादरसी करें। डिवीजन में जाली ज़रई अद्वियात फर्टिलाइजर्स कबूल नहीं, क्रैकडाउन किया जाए। कराची में बिजली की गैर ऐलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। लियाकतबाद, PIB, तीन हट्टी, गार्डन समेत मुतअद्दिद इलाकों में शदीद एहतजाज। माड़ीपुर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खवातीन और बच्चे भी सरापा एहतजाज बन गए। 24 घंटों में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती है, जब तक लाइट नहीं आएगी घरों को वापस नहीं जाएंगे, मुजाहरीन का मौका। और कामुकी में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुबतला, कारोबार ठप होकर रह गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली नायाब हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच गया, शहरी बिलबिला उठे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील। नारवाल थाना सिटी शकरगढ़ के इलाके मोहल्ला लालपुरा में मामूली तल्ख कलामी के बाद सुलह के लिए बुलाई गई पंचायत में झगड़ा हो गया। पंचायत में मुखालफीन ने एक दूसरे पर फायरिंग की, जिससे एक नौजवान मौका पर जान बहक जबकि एक जख्मी भी हुआ है। शदीद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमान की फायरिंग से मकतूल का चचा भाई समेत 5 अफराद और भी शदीद जख्मी हुए और जिनको तहसील अस्पताल शकरगढ़ तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया। SHO सिटी शकरगढ़ पुलिस की भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच गए और GPO नारोवाल डॉक्टर रिजवान ने वाकये का नोटिस ले लिया। ननकाना साहब में थाना सैदोबाला के इलाके रजब में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि
दो जख्मी हो गए। हलाक होने वाला डाकू 14 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। थाना सैदोवाला के इलाके रजब में दौरान डकैती गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस और डाकुओं के मबैन फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक जबकि दो शदीद जख्मी हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त 30 साला सोने खां के नाम से हुई जो कि थाना सैदोवाला समेत मुख्तलिफ थानों को 14 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। यूनान से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया कामसिन बच्चे से बदफैली का मुलजिम थाना भेरा में टिकटॉक वीडियोस बनाता रहा। बच्चे से बदफैली का मुलजिम प्रोटोकॉल के साथ चारपाई पर जबकि दीगर जराइम के मुलजिम हथकड़ी समेत ज़मीन पर बैठे देखे जा सकते हैं। प्रोटोकॉल की फुटेज चैनल न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस की सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया कामसिन बच्चे से बदफैली का मुलजिम थाना भेरा में टिकटॉक वीडियोस बनाता रहा और दीगर मुलजिम जमीन पर बैठे रहे जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वीडियो चैनल न्यूज़ को मौसूल हो गई। उधर कबीरवाला में मुल्तान रोड पर अड्डा 5 शेजो डाले की साइकिल सवार को टक्कर 40 साला शख्स मौके पर जाम भाग ड्राइवर फरार हो गया। अफसोसनाक हादसा मुल्तान रोड अड्डा 5 के करीब पेश आया जहां दूध फरोश 40 साला शख्स साइकिल सवार मोहम्मद सफदर दूध पेश कर घर जा रहा था कि पीछे से आने वाले शेजो डाले ने टक्कर मार दी जिसके नतीजे में मोहम्मद सफदर मौका पर ही जाम भाग हो गया जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। हरुणाबाद उबास नौजवानों ने मेहनतकश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। मुतासर नौजवान की दरख्वास्त के बावजूद तहाल पुलिस ने बासर अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हरुणाबाद में शहरा पर 6 उबास अफराद ने फैक्ट्री से काम करके घर जाते हुए मेहनतकश इरफान अक्रम को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजमान ने मुतासर नौजवान पर किए गए तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और शदीद तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासर नौजवान ने पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। तशद्दुद की वीडियो मंजरे आम पर आने के बावजूद तहाल बासर मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। कमालिया में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिवीजन टास्क फोर्स टीम ने ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 117 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नस्ब मीटर बरामद करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूल कर लिया। कमालिया में फेस्को डिवीजन टास्क फोर्स टीम ने एक्सियन वाबडा अफजल काठिया के हमरा इलाका के मुख्तलिफ मकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 117 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजली चोर अपने कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटरों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नस्ब करके बिजली चोरी कर रहे थे। इस सर्किट के जरिए बिजली की रीडिंग पे कंट्रोल किया जाता है जिससे रीडिंग मुतासर होती है। मुल्तान में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक की ज़ेर सदारत डिवीजनल ज़राअत कमेटी जायजा इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर बट्टू DC लोधरा आगा जहीर अब्बास शहराजी भी इजलास में मौजूद थे। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक ने जाली खादों ज़रई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कमिश्नर आमिर खट्टक ने महकमा ज़रात के अदाद शुमार मुस्तरद करते हुए महकमा ज़रात के अफसरान को दफातर से बाहर निकाल कर फील्ड मॉनिटरिंग करने की हदायत कर दी। कहा डिवीजन में जाली ज़रई अद्वियात फर्टिलाइजर्स कबूल नहीं, क्रैकडाउन किया जाए। कामों की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत पर मुबतला और कारोबार ठप होकर रह गए। गर्मी की शिदत में इजाफा होते ही बिजली नायाब हो गई। रात भर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की रातों की नींदें भी उड़ गई हैं। शहरियों का कहना है कि ना दिन को चैन ना रात को चैन, जाएं तो किधर जाएं। हुकूमत ने तो जीना दोभर कर दिया है। छोटे बड़े बुजुर्ग सभी बिजली की अदम दस्तयाबी पर चीख उठे। हुकूमती एवानों से नोटिस लेने और जल्द हल करने की अपील भी की। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें अपडेट जानने के लिए चैनल न्यूज़ को देखते रहिए।